हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो पिछला महीना गुजरा है उसकी। पिछला महीना, अब ये मार्च स्टार्ट हो गया, एक्चुअली ये मार्च, सेकेंड मार्च है आज। पिछला महीना जो गुजरा है वो थी फरवरी। तो ये जो फरवरी का महीना है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। जनरली फरवरी 28 तारीख तक चलती है, यानी 28 लास्ट डेट होती है, लेकिन कभी कभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 होती है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हो गई, या तो फरवरी 28 तारीख की होगी या 29 तारीख की होगी। अगर फरवरी 29 की है तो क्या, 28 की है तो क्या, और ये 28-29 की क्यों? फ्रेंड्स, एक्चुअली बात ये है कि जो फरवरी है अगर वो 29 तारीख तक जाती है, लास्ट डेट उसकी 29 होती है, 29th फरवरी के महीने में अगर 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, तो हम जिस वर्ष में ऐसा हुआ होता है उस वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि लीप ईयर क्या होती है, कैसे होती है, इज इट, उसे ही हम एलिब्रेट करने के लिए बात कर रहे हैं आपसे। तो आइए उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ये जनरली एक चक्र पूरा करने में 365 डेज लेती है, ऐसा हम कैलकुलेट करके चलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये एक राउंड पूरा करने में 365 डेज और 6 आवर्स लेती है, 365 दिन 6 घंटे। अब ये 6 घंटे, 6-6 घंटे लेकर के, हर वर्ष में तो नहीं ऐड किए जा सकते, तो इनको समराइज करके, यानी 6 × 24, अगर 6-6 घंटे को 4 बार जोड़ें तो वो 24 आवर्स हो जाते हैं। 24 आवर का मतलब एक दिन। तो चौथी साल में जाकर के एक दिन इंक्रीज हो जाता है, उसको हम फरवरी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फरवरी हमारी 29th की होगी। तो जिस वर्ष में फरवरी 29th की होगी वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। हिंदी में इसे अधिवर्ष कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज में आपको पता होगा वैसे तो, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में हमारी जो माताएं बहनें इसे कॉल करती हैं वो लौंद का साल भी कह देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे जो टाइम है, जो महीने हैं, कुछ महीने 31 के हैं, तो 7 महीने तो हमारे 31 डेज के हैं, 4 महीने हमारे 30 डेज के हैं। 31 डेज 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे जो डेज का टाइम आता है 271 डेज, और जो हमारे 4 महीने हैं 30 दिन के होते हैं वो होता है 120 डेज, और एक फरवरी बची हमारी, तो फरवरी 28 की, जब 28 की होती है तो वो हो जाते हैं 28 डेज, और अगर तीनों को समराइज करें तो ये हो जाता है हमारा 365 डेज। लेकिन अगर हमारी फरवरी 29 की हो गई तो वो हो जाता है 366 डेज, 366 दिन। जनरल ईयर में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। तो लीप ईयर में जो दिनों की संख्या है वो 366 होती है, 366 डेज, एंड जनरल ईयर 365 डेज। क्लियर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन रह जाता है वो ये रह जाता है कि हम कैसे पता करें कि कोई भी साल, कोई भी ईयर हमारा लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ हम दो टू रूल्स का फॉलो करेंगे। वो टू रूल्स क्या हैं? उन्हें वन बाई वन देख लेते हैं। पहला रूल तो ये है कि जो हमारी सन है, साल जो लिखी होती है लास्ट में जो हम लिखते हैं, जैसे अभी 2020 चल रही है, 2020, अगर इस 2020 को हम 4 से डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड इट बाई 4, और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई भी सन अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो वह साल लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। जी, दूसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। यदि कोई वर्ष 100 से डिवाइड हो जाए, इफ एनी वर्ष डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400, अगर कोई वर्ष 100 से पूरा विभाजित हो जाए और 400 से विभाजित ना हो, तो वह लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 1500
1500 को 100 से डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 400 से डिवाइड करें, नहीं होगा। 1800, 100 से डिवाइड करें, हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें, नहीं होगा। 1600, 100 से डिवाइड करें, हो जाएगा। 400 से डिवाइड करें, तब भी हो जाएगा। तो जो वर्ष 100 से डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड न हो, तो वह लीप ईयर नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई वर्ष 100 से डिवाइड हो जाए और 400 से भी डिवाइड हो जाए, इफ एनी ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 100 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए और 400 से भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, तो वह वर्ष लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। फिर से अगर मैं इसे समराइज करूं तो दो लाइन में अगर कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई वर्ष आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, तो आप उसे लीप ईयर कह सकते हैं या वो लीप ईयर ही होता है। दूसरी कंडीशन यहां पे एक और आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी कि अगर वह वर्ष 100 से डिवाइड हो रहा है और 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। अगर 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 400 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा। तो ये है दोस्तों लीप ईयर के बारे में। ये नॉलेजेबल भी हो सकता है और लीप ईयर के विषय में हमें पता भी होना चाहिए। तो इतना ही दोस्तों।